झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। ईडी ने 31 जनवरी को उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 8.86 एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल की थी। ईडी ने इस मामले में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी। मुख्यमंत्री से रांची में करीब 7 घंटे तक जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। यह पूछताछ भी मुख्यमंत्री को जारी की गई समन के बाद हुई थी। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को 7 समन जारी किए थे, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। 8वें समन के बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सोरेन को पहला समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। सोरेन के अधिवक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009 से 10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कम्प्लेन दर्ज नहीं है। अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में कार्यवाही शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने इस पर कब, कहां और किस तरह से कब्जा किया। इस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की उनकी योजना थी, जिसका नक्शा उनके करीबी विनोद सिंह के मोबाइल पर भेजा गया था। हेमंत सोरेन काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने राज्य तंत्र का दुरुपयोग करते हुए खुद को बचाने के कई प्रयास किए थे। उन्हें जमानत दी जाती है तो वे फिर से जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं।